बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है। गाइस अभी हम आए हैं धनबाद और आप देख सकते हो कैसे मोटर्स उतरे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर हैं रेलवे स्टेडियम के गेट के पास, मेन गेट के पास नहीं, यहाँ बैक गेट है। और गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं, मतलब उस तरह तो जाएंगे, ये मेन गेट नहीं है, और हम लोग गलत रास्ता पे आ गए हैं। और मैं और यासिर भी फिर से संडे के दिन धमाल मचाने के लिए एक और नए ग्राउंड में आ चुके हैं। मतलब हम दोनों ने मतलब सेटल किया है कि हम लोग हर संडे कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, और मैं ब्लॉग भी बनाऊंगा। तो चलिए अभी हम लोग गलत रास्ते पे आ गए हैं, तो हमें फिर से जाना होगा घूम कर उधर से उस सीन से, और तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग मतलब कि सही राह पर चल रहे हैं शायद, क्योंकि मैं यहाँ 8 बार आ चुका हूँ, मतलब 3 बार मैच खेलने के लिए टीम के साथ, और ऐसे ही घूमने के लिए 2 बार सब्स्टिट्यूट प्लेयर बन के भी आ चुका हूँ। तो उधर रास्ता असर भैया बोल रहे थे कि शॉर्टकट है, इसलिए मैं उधर से गया, और ये रेलवे स्टेशन वाला रास्ता है जिसे से हम जा रहे हैं, ये सही रास्ता है, ये मेन गेट है। आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और वो है रेलवे स्टेशन उस तरफ। सो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सीढ़ी है रेलवे स्टेशन में सीधा जाने के लिए, वहाँ पर रेलवे ट्रैक है, और हम लोग अभी सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये रहा रेलवे स्टेडियम का मतलब कि गेट, मेन एंट्री गेट, जो कि काफ़ी बड़ा है गाइस। और ये है कुछ अंदर का सीन, ये ग्राउंड नहीं है, अभी इसके उस तरफ मतलब ग्राउंड है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके उस तरफ। अभी आसिर पे और हम मतलब कि चल रहे हैं, पीछे हमारे गेट है, और बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। गाइस आप देख सकते हो पीछे ही ग्राउंड है इसके, और लिखा हुआ है यहाँ पर नाम वगैरह। यहाँ पर काफ़ी धूप है गाइस, तो आज मज़ा आने वाला है यहाँ पर। आज संडे का दिन है और हम लोग का खूब ज़्यादा प्लान है मज़ा करने का। गाइस अभी हम लोग मतलब कि अंदर घुस चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर गेट टाइप का है, और ये आप देख सकते हो पूरा खाली है, इसे बनाया जा रहा है अभी अच्छे से। मैंने सुना है रणजी के मैचेस भी होने वाले हैं, पहले हो चुके हैं काफ़ी सारे, युवराज सिंह और काफ़ी सारे प्लेयर्स ने भी यहाँ आकर बड़े बड़े मैचेस खेले हैं रणजी के, हरभजन सिंह वगैरह। यहाँ पर देख सकते हो आप सीढ़ी है, और यहाँ पर ड्रेसिंग रूम वगैरह बनाया जा रहा है जैसा कि मैंने सुना है। और ये है देख सकते हो आप, ये पिच केयर मशीन, जैसा कि मैंने आपको डिगवाडी में भी दिखाया था, ये हर बड़े स्टेडियम में मिलता है। और ये रहा स्टेडियम का फर्स्ट व्यू, हम लोग यहाँ आ चुके हैं, और ये मतलब डिगवाडी स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम से भी बड़ा है। ये मेरे पीछे ड्रेसिंग रूम और कमेंट्री बॉक्स बनाया जा रहा है इसे, और यहाँ एकेडमी भी रन होता है गाइस वहाँ पर। सो गाइस यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ लॉकडाउन के बाद आया हूँ, मतलब करीबन 6 या 4 महीने के बाद, और उधर पेड़ वगैरह काफ़ी हो चुकी है, यहाँ पर पहले ऐसा नहीं था। अभी लगता है लॉकडाउन में इसे अच्छे से केयर नहीं किया जा रहा, और यहाँ का मतलब मिट्टी भी काफ़ी अजीब सा हो गया है। सो गाइस आप देख सकते हो धूप काफ़ी है, अब तो धूप डल रहा है, और उधर रेलवे स्टेशन है, और वहाँ पर मतलब कैंप रन हो रहा है, और यासिर पर पीछे फ़ोटो खींच रहे हैं, और ये रहा यहाँ सब लोग आए। सो गाइस अभी चलिए हम आपको पीछे बैक कैमरा इनेबल करके दिखाते हैं। सो गाइस ये है बैक कैमरा का व्यू, काफ़ी अच्छा आ रहा है, और यासिर भैया फ़ोटो क्लिक करने के लिए मतलब अपने फ़ोन को सेट कर रहा है वहाँ पर, और यहाँ का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। हाँ हाँ, और गाइज ये पिच है, आप देख सकते हैं यहाँ मतलब अंदर जाने मना किया जा रहा है। पिच को मतलब यहाँ पर पता है क्या कर रहे हैं, पिच को मतलब ऊपर से मतलब बारिश हुआ उसके बाद यहाँ पर ग्रास हो चुका है, अब पिच बाकी जब भी यूज़ करना होगा तो ग्रास हटा देंगे ऊपर से। और यासिर भैया फ़ोटो खींचने के लिए तैयार है, और वहाँ पर आप एकेडमी रन हो रहा है आप देख सकते हो, और ये यासिर भैया फ़ोटो खींच रहे हैं पिच का। ये काफ़ी अच्छा पिच है यहाँ का, और ये ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ रणजी के मैचेस मतलब आराम से हो जाएंगे गाइज, अगर यहाँ होना चाहें तो काफ़ी सारे मैचेस हो सकते हैं यहाँ पर। और ये हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से चले चलते हैं। सो गाइज अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और ये मतलब टूट रहा है, यहाँ पर बैठने की सीटें वगैरह लगती है, इसे शायद बनाया जाएगा,
और अभी हम लोग यहाँ से लाइव एकेडमी रन होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, 6-7 साल के बच्चे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस हम लोग अभी ऊपर से नीचे आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। हम लोग उसके ऊपर जाने वाले हैं, मतलब जहाँ कमेंट्री बॉक्स है और ड्रेसिंग रूम जहाँ बन रहा है वहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं। और पीछे मेरे एकेडमी रन हो रहा है, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, मैंने बताया कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और यासिर भैया ने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ में क्लिक किए हैं। और ये पिच रोलिंग मशीन नहीं, पिच रोलिंग टूल बोल सकते हैं। और गाइस अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी अजीब अजीब तरीके की गाड़ियाँ हैं। ये है पिच केयरिंग मशीन और ये भी शायद वही है। और यासिर भैया पूरे ही अच्छे तरीके से फ़ोटो क्लिक करा चुके हैं, यहाँ का भी काफ़ी अच्छा सीन है। और गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ का काफ़ी अच्छा मतलब कि सीन आ रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है यार, यहाँ काफ़ी लंबा है। जो हम नीचे से देख रहे थे हम ऊपर आके देखने से बिल्कुल ही अलग लग रहा है। यहाँ शाम भी हो गया है, बस अब आधे घंटे में अज़ान भी हो जाएगी मगरिब की और हम लोग नीचे से आए यहाँ से ऊपर की ओर हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि वहाँ का सीन काफ़ी अच्छा है और मेरे पीछे ऊपर जाने की भी सीढ़ी है क्योंकि हमने अभी देखी। अब मैं यासिर भैया को बोलता हूँ ऊपर चलने के लिए। और यासिर भैया मान के अगर देख सकते हो आप मैं ऊपर चल रहा हूँ और काफ़ी अच्छा व्यू है। वाओ, ओ माय गॉड। सो गाइस यहाँ आने पर मतलब एकदम नीचे से एकदम अलग व्यू आ रहा है, बहुत दूरों की दिख रही है। और आप देख सकते हो ये है ग्राउंड का ऊपर का व्यू, टॉप व्यू। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि और यहाँ पर छत पे मतलब क्या क्या है। ये देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस यहाँ का, OMG वाला। तो चलिए गाइस मैं आपको और दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ से रेलवे स्टेशन दिख रहा है और वो एंट्री गेट जहाँ से हम लोग आए थे, यहाँ नीचे से ही हम लोग अभी आए हैं ऊपर। और इधर देख सकते हो आप और वो रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है ऊपर से। अब शाम भी हो गई है और इधर है टंकी, जिससे टंकी वगैरह जिससे पानी नीचे सप्लाई होकर ग्राउंड में जाती है, जिससे ग्राउंड की घास है जिंदा है। और इधर से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो चलिए हम उस तरफ चल के देखते हैं, इधर का भी काफ़ी अच्छा व्यू है। हम लोग बहुत ही टॉप पर हैं और ये रहा रेलवे स्टेशन क्योंकि पूरा अच्छा से कैप्चर हो रहा है। और ये लाइट टूट गई है शायद या फिर इसे खोल दिया गया है। और ये काफ़ी ऊँचाई पर थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइट की ऊपर की बेस है। और गाइस ये रेलवे स्टेशन है, चलिए आगे देखते हैं। और ये ग्राउंड है, यहाँ से काफ़ी अच्छा सीन आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। और उस तरफ भी कुछ है गाइस, तो चलिए उस तरफ चलते हैं। और ये नीचे के सीढ़ी जिससे हम लोग अभी आए, मैं आपको दिखाना भूल गया था, ये है सीढ़ी। और उस तरफ भी मतलब कि ग्राउंड का आधा सीन और इस तरफ भी छत है आधा, और इस तरफ से एंट्री गेट मैंने दिखाया। और ये छत का लास्ट है पार्ट। और ये देख सकते हो गाइस आप, ये टेनिस या फिर बैडमिंटन की स्पॉट लग रही है मुझे। यहाँ पर बैडमिंटन की भी अकेडमी होती है शायद, टेनिस की, जो भी हो। और ये पेड़ वगैरह काफ़ी डेंजर है गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा छत है यहाँ पर। और हमें छत पे जाने की परमिशन नहीं थी, पर हम चुपके से आए। हर व्लॉग में मैं चुपके से हर कुछ ना कुछ करता हूँ गाइस। तो गाइस अभी मुझे काफ़ी ठंड लग रही है क्योंकि मैंने जैकेट तो पहना है, फिर भी ठंड लग रही है क्योंकि अब अजान होने वाली है, 5:30 हो चुकी है। और अभी हम लोग छत से बस नीचे ही जाने वाले हैं, तो चलिए नीचे चलते हैं। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, आप देख सकते हो ये स्टैंड्स देख सकते हो काफ़ी अच्छा बनाया गया है गाइस, स्टैंड्स नहीं इसको ड्रेसिंग रूम बोलेंगे। और अब अभी हम दूसरे फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, नोटिस वगैरह लगी भी है कुछ, इसे अभी बनाया ही जा रहा है बिल्कुल अच्छे से। अब मैंने मशीन दिखाई है आपको और अभी हम बाहर निकल रहे हैं ग्राउंड की ओर और यासिर भाई वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए निकलते हैं। तो गाइस अभी हमें इसे बाय कहने का वक्त आ चुका है और अभी हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमने देख लिया इसे अच्छे से पूरी तरीके से। और आप बाहर निकलते हैं गाइस, मुझे एकदम बिल्कुल अलग सा लग रहा है, यहाँ पर पूरा रेलवे स्टेशन का मतलब सीन आ रहा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये बाउंड्री और ये रोड काफ़ी साफ है यहाँ की रोड। और गाइस ये है डाकघर यहाँ का रेलवे का। और ये गाइस गेट नंबर 3 जहाँ से आप अंदर जा सकते हो। और ये है गाइस पंजाब नेशनल बैंक यहाँ की। और गाइस आप देख सकते हो ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पोस्ट, मतलब एक छोटा सा पुलिस स्टेशन के टाइप का बनाया हुआ है यहाँ पर रेलवे की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अभी हम देख सकते हो आप गाइस ऑटो की तलाश में मैं और यासिर भाई निकल चुके हैं और वहाँ से हम आए। और ये रेलवे स्टेशन का पीछे का सीन। तो चलिए रोड पर पहले हम निकलते हैं, यहाँ काफ़ी सारी ऑटोज़ खड़ी हैं।
सो गाइज अभी हम लोग रोड पर निकल चुके हैं और आप देख सकते हो ये है रेलवे स्टेशन के सामने की मार्केट, जो कि 2400 घंटे यहाँ सारी दुकानें खुली रहती है। काफ़ी अच्छा बड़ा मार्केट है यहाँ पर। और ये रेलवे स्टेशन का सामने का व्यू, जो कि मैं अच्छे से नहीं ले पा रहा, काफ़ी शाम हो चुकी है, मैं किसी और दिन इसे कैप्चर करूँगा। और मैंने जो एडवेंचर ब्लॉग के बारे में बात की थी वो मैं किसी और दिन कैप्चर करूँगा, मैं इस बार नहीं कर पाया तो मैं पक्का करूँगा उसे। सो गाइस बस इस ब्लॉग में इतना ही, मैं आसिफ भैया के साथ ऑटो ढूंढने के लिए निकल चुका हूँ। सो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। की सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है।